चिमटीपुर के इस रेस्ट हाउस से कुदरत की इस अनमोल देन और प्रकृति की हसीन वादियों के बीच हम खड़े हुए हैं पातालकोट के किनारे पर। जी हाँ, तामिया के पास छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में स्थित ये है पातालकोट। अभी आपने देखा ग्राउंड का लेवल, और वहाँ से लगभग 1000 से 1200 मीटर नीचे 1 किलोमीटर से भी ज़्यादा स्ट्रेट पहाड़ियाँ कटी हुई है। और फिर ये जो नीचे का आप नज़ारा देख रहे हैं, यह एक प्लेन एरिया जो समुद्र जमीनी तल से लगभग 1 किलोमीटर या 1200 मीटर नीचे है। यहाँ बसे हुए हैं 33 गांव, पूरे आदिवासियों का यह क्षेत्र जो अपने आप को भारतीय सरनेम से लिखते हैं, यहाँ रहते हैं। आज की डेट में सरकार ने यहाँ पे सड़कें बना दी है, इवन कि यहाँ पे एक टेलीफोन टावर भी लगा हुआ है जो मोबाइल इंटरनेट सप्लाई करता है। परंतु यह एक शुद्ध आदिवासी क्षेत्र है, ज़मीनी सतह से काफ़ी नीचे बसा हुआ है एरिया, और कुदरत की अनमोल देन प्राकृतिक जड़ी बूटियों के लिए बड़ा फेमस क्षेत्र है। आज की डेट में यहाँ सड़कें बन गई हैं, कभी झाड़ों की जड़ को पकड़ के आदिवासी नीचे उतरा करते थे जब कभी ऊपर आया करते थे। इनका ऊपर के जो हमारी धरातल है, धरातल से लंबे समय तक कोई संबंध नहीं रहा है। उनका जीवन यापन लंबे समय तक, लगभग 300 साल के रिकॉर्ड तक, ये नीचे के क्षेत्र में ही रहे हैं। और लगभग आज से 40 साल पहले जब यहाँ पे पहली बार मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह अपने हेलीकॉप्टर से नीचे उतरे थे, तब आदिवासियों ने कहा था कि भगवान राम का जो विमान है जिससे उन्होंने स्वर्ग को प्रस्थान किया था, वही विमान दोबारा आया है। वो नहीं जानते थे मुख्यमंत्री को, मगर उन्होंने उस विमान की पूरे क्षेत्र ने पूजा की थी, वो पुष्पक विमान इसको माना करते थे। तब से यहाँ पे कुछ परिवर्तन आए हैं, काफ़ी कुछ अब सरकार ने यहाँ पे सुविधाएं उपलब्ध की हुई है, मगर आज भी यह कुदरत का करिश्मा अनमोल है और एक बेहतरीन पर्यटन क्षेत्र है, जहाँ पर आकर आप एक दिन, दो दिन, एक सप्ताह, दो सप्ताह नहीं, महीनों यहाँ पे तफरी कर सकते हैं और प्रकृति के हरे भरे इस प्राकृतिक क्षेत्र का आनंद ले सकते हैं। इस समय चिमटीपुर के रेस्ट हाउस से हम डीके साहू जबलपुर से, जबलपुर वाले